एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप सेंट्रल जॉब करना चाहते हो, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, तो अभी तक क्या चल रहा था कि अभी तक हम जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो एसएससी की वेबसाइट पर जाते थे और उस जॉब के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर देते। बट इस बार एसएससी ने कल एक नोटिस निकाला और ये नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस नोटिस में बोला गया है कि एसएससी ने भी डिसाइड किया है कि एक न्यू वेबसाइट एसएससी ने लॉन्च की है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेक्स प्राइड अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ न्यू वेबसाइट विच हैज़ बीन मेड लाइव ऑन 17/2/2024। यानी 17/2/2024 से ये जो वेबसाइट है ये लाइव हो चुकी है, ये लॉन्च हो चुकी है और नया लिंक भी इन्होंने दिया है। ठीक है, मैं वो नया लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगा। सुनिए, एक्चुअली इस वेबसाइट में होगा ये कि OTR रजिस्ट्रेशन इसमें आपको करना होगा। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब इसमें होगा ये कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको बोला जाता है। एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तब आपको कोई भी फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करना। डायरेक्ट आप लॉगिन करोगे, वैकेंसी पे क्लिक करोगे और अप्लाई कर दोगे। मतलब एक ही बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा। बार बार रजिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म कर दी गई है एसएससी की तरफ से। एक्चुअली मुझे याद है आज भी ये जो OTR का जो निकाला गया था ये UPSC का कंसेप्ट था, जबकि SSC को भी UPSC का छोटा रूप बोला जाता है। तो अब SSC ने भी OTR निकाल दिया है। अब देखिए, OTR के लिए उन्होंने कहा कि जो वेबसाइट है ssc.gov.in, ये इस वेबसाइट पे हमें जाना है। ठीक है, तो हम जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर क्या। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको रजिस्ट्रेशन करके रख लेना है। जो भी अपकमिंग जॉब होगी जैसे MTS, CHSL, CGL, उनके लिए आप फिर अप्लाई कर पाओगे। पुराना जो भी डेटा था वो सब डिलीट हो चुका है एक तरीके से। जिनका भी रजिस्ट्रेशन पहले का था वो सब डिलीट हो चुका है, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये OTR आपको सबको करना है, जो भी SSC की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है ये आपको सबको करना है। तो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो SSC की जो न्यू वेबसाइट है ssc.gov.in। ठीक है, यहाँ पे भी आ चुका है न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है, कैंडिडेट नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, दूसरे में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, तीसरे में आपका एडिशनल डिटेल डालनी है जैसे नेशनलिटी, एड्रेस और एजुकेशन क्या है। डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं आपको दिखा करके दिखाता हूँ। कंटिन्यू टू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है। पहला, पर्सनल डिटेल आप भरोगे, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी है, जहाँ पे आपको क्या आपका आधार कार्ड है, यस या नो करना है। यस कर देना तो आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, वेरीफाई आधार कार्ड नंबर है वेरीफाई करना है, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा आप IED डाल लो, आधार डाल लो, वोटर आईडी कार्ड डाल लो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम डालेगा जो आपकी 10 की मार्कशीट में होगा। वेरीफाई, आपको नाम वेरीफाई करना है। यू हैव एवर चेंज नेम, कि आपका नाम आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई न्यू नेम, ये जेंडर सिलेक्ट करना है, वेरीफाई जेंडर DOB डालना है। ठीक है, फादर नेम डालना है, वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, 10 की जो भी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है, कौन सा बोर्ड है आपका वो सारा इसमें डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है, वेरीफाई रोल नंबर। जो फर्स्ट स्टेप है इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल मांग रहा है। ठीक है, हाई स्कूल का डाल देना है। ठीक है, कैंडिडेट आपका ईमेल डालेगा, यानी 12th तक की डिटेल आपको फिलहाल डालनी है इसमें। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको देता हूँ। उसके बाद जो दूसरा है आपको पासवर्ड क्रिएशन करना है, पासवर्ड दूसरे पे बनाना है। तीसरे पे आपको एडिशनल डिटेल देनी है, आपका एड्रेस वगैरह, बैंक की डिटेल वगैरह आप दे सकते हो। चौथे में आपको डिक्लेरेशन करके सबमिट करना है और आपको OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इतना याद रखना, जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको रखना है। ये चीज़ हर किसी को करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSC ने कंपलसरी कर दिया है। अगर आप SSC की अपकमिंग जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो इसी पोर्टल के द्वारा करोगे, और इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिसको भी SSC में दिलचस्पी हो जॉब के लिए तो वो पहले OTR कर ले। इसके लिए कोई एज लिमिट है नहीं, 18 के बाद कोई भी कर सकता है। इसके अलावा इसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेमेंट आपको उसी का लगेगा जो भी आप जॉब का फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।